Please subscribe to our channel, and for latest updates, don't forget to press the bell button. We can't start without him. Just tell him. Rohini, go out and tell him everything is ready. Just tap on the glass, Rohini. कुछ नहीं, बस शक्ल दिखानी है। ओके गाइस, क्वेश्चन प्लीज। चलो जल्दी। बैठ सकते हैं क्या? आगे खींच के। आगे खींच के। आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। सबसे कैसे कमेंट्स मिले हैं आपको अपने प्रोमोस देके जो कि बहुत अप्रिशिएटेड है? मैंने तो बताई थी है कि मतलब कैसा कमेंट मिला था, बट ये है कि हाँ शायद ही कोई ऐसा विरला होगा जिसने कि इस शो के बारे में सुना नहीं होगा या प्रोमो देखा नहीं होगा। जिस तरह से जिन जिन जगहों पे इसको प्रमोट किया गया, पूरा सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म सारे के सारे भरे पड़े, तो मेरे ख्याल से अब वो हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि काम जो है वो और बेहतर तरह से करें, और जिस तरीके की शुरुआत जो हमें अभी तक देखने में आई है वो बरकरार रहे शो का। और मुझे ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि आपको थोड़ा जवान बंदा नहीं मिला दुल्हन बनने के लिए, लेकिन मैंने उनको कहा कि डैड की दुल्हन का कॉन्सेप्ट है तो हाँ। और दूसरी कमेंट मिली है कि आप लोगों ने जो ये मैच्योर लव स्टोरी दिखा रहे हैं, ये जो टीवी पे बहुत कम आता है, ये भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लोगों ने बहुत मैसेज किया है कि आपने जो मैच्योर लव स्टोरी बनाई है वो बहुत अच्छा है, कमेंडेबल, और निया को बहुत पसंद किया गया है। हर कोई कह रहा है कि बहुत क्यूट लड़की है, सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि निया आपकी बड़ी क्यूट है, आप प्लीज़ उसके साथ कोई फोटो पोस्ट कीजिए, सो दे कीप कॉलिंग मी फॉर हर। मेरा तो डेब्यू है तो ऑफकोर्स सब लोग बहुत एक्साइटेड है, सब खुश है, और काफ़ी रैंडम लोगों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, तो आई एम लविंग इट। Concept because of the character, because you know what, I used to get a lot of offers for television, लेकिन अच्छे अच्छे shows का concept, अच्छे shows, अच्छे अच्छे production houses ने मुझे approach किए हैं नए नए shows के लिए, लेकिन उनकी problem ये होती थी कि shows की story अच्छी होती थी but as a character जो मुझे play करना है अगले साल दो साल के लिए उसमें कुछ खास नहीं होता था। मुझे पता होता था कि दो या तीन महीने में मैं बोर हो जाऊँगी, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी ऐसे कॉन्सेप्ट को हाँ कहने के लिए। लेकिन ये मुझे पता है कि तीन महीने तक तो मैं डिस्कवरी करती रहूँगी कि इसमें करना क्या है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या निकलेगा, सो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, सो आई हैड टू से यस फॉर दिस। क्योंकि जैसे आपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया कि काफ़ी ज़्यादा जॉली टाइप की है, सब चीज़ एकदम हैप्पीली देखती है, तो जिस तरह आपने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी उस तरह का रियल लाइफ में होना, तो क्या कहेंगे कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है या टास्क है आपके? बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कई बार अभी अब जबकि हमने कितने सीन्स बीच में किए हैं, मतलब हम टेलीविज़न में जब नया शो बन रहा होता है तो हम फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड करके नहीं जाते, हम रैंडम सीन शूट करते हैं। रैंडम सीन्स में इतना डिफिकल्ट होता था कि इतना बड़ा क्राइसिस है उसके सर पे, लेकिन फिर भी वो हंसे कैसे, फेक ना लगे, इरिटेटिंग ना लगे, फिर कन्विंसिंग भी लगे, फिर मतलब वो रिटार्डेड ना लगे, ये सब सोच कर मुझे बहुत डिफिकल्टी से गुजरना पड़ा। मैं बार बार प्रीति को या दिया को फ़ोन ही करती रहती हूँ कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो जब भी मैं शूट करती हूँ, दिया या फिर प्रीति या कोई ऐसा क्रिएटिव बंदा वहाँ पे रहता है ताकि मैं डर ना जाऊँ इस कैरेक्टर को लेकर, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली पोर्ट्रे।
सर आप क्या कहेंगे, आपने जिस तरह से जो मॉडिफिकेशन वाली बात है इसकी किस तरह से जस्टिफिकेशन मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा आप अपने ऐड ऑन कर देते हैं कमेंट्स या जो भी होते हैं डायलॉग, तो वो किस तरह से आप लेते हैं कि किस तरह से मोटिवेशन दर्शकों को मिलने वाली है आपकी डायलॉग्स की? यार मोटिवेशन का तो पता नहीं, बट मेरे ख्याल से अगर कैरेक्टर एक बार समझ में आ जाए ना, तो हर कैरेक्टर का अपना एक लिंगो होता है, उसके बात करने का एक तरीका होता है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि अब तो क्योंकि मैंने खुद भी करके देख लिया लिख लिखा के और एयर भी हो गई ये चीज़, तो लिखने के बाद जो है ना कभी कभी आपको बिल्कुल डिसोसिएट करना पड़ता है अपनी लेखनी के साथ, अपने लिखे हुए मटीरियल के साथ, क्योंकि एक्टर जब एक्टिंग करना शुरू करता है तो ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि दिमाग में आती हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शूटिंग करते हुए बदल जाती हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको देयर इज़ अ सर्टेन परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी दैट वन हैज़ टू मेंटेन। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बदलती हैं, आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं इधर उधर, कुल मिलाकर ये है कि एंड प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लगना चाहिए। मतलब ये जो कैरेक्टर जो मैंने देखा है उसमें ये देखा है कि ये अनोइंग कैरेक्टर है लेकिन अनोइंग लगता नहीं, आपको बहुत एंटरटेनिंग लगता है, इरिटेटेड रहता है लेकिन उसे देखकर आपको खुशी मिलती है, तो ये यूनिक है अंबर के बारे में। सो आई थिंक दैट्स रियली नाइस। आपने क्या सीखा मैम, टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेस है मैम, आपने बेचारी को सीखने का मौका ही नहीं मिला अभी तक। एक्चुअली हमारा इतना सीन्स हुए नहीं है तो डैड के साथ ही ज़्यादा हुए, इनसे तो मैं इम्प्रोवाइजेशन सीख रही हूँ और और थोड़ा और गाड़ी पे करूँ। हाँ, जो शुरू हो जाए प्लान करके आई थी जहाँ रुकना होगा मैं हाथ खड़ा कर दूँगा। नहीं बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं एक सर्टन टोन में बोल रही हूँ तो उनके लाइक ही इज ऑलवेज सजेस्टिंग कि ये तो थोड़ा ऐसे कर सकती है, कभी स्क्रिप्ट से ही मार देंगे नहीं ये ऐसा कर। सो आई थिंक इट्स आई एम लविंग इट क्योंकि इतने एक्सपीरियंसड एक्टर्स है तो मुझे बहुत सीखने मिल रहा है, इट्स लाइक अ कोचिंग क्लास फॉर मी बेसिकली। तो बात ये देखो अल्टीमेटली जितने भी साल हम लोग काम करेंगे जो कुछ भी सीखा है हम लोगों ने अपने पहले वाले से वो साथ लेके जाके तो कुछ फ़ायदा है नहीं, जो यहाँ से उठाया है उसको यहीं भी छोड़ के चले जाओ ज़्यादा बेहतर। एनीबडी वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट वेलकम, मतलब ऐसे भी हम लोगों ने देखे हैं जो कि मतलब जिनको ज़रा परेशानी होती है इस चीज़ से, लेकिन आई डोंट थिंक उससे डेटर होने की ज़रूरत है। मतलब अगर कोई आपका कमेंट या कोई एक सुझाव किसी को ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर सकता है तो फिर क्यों ना किया जाए। कॉन्सेप्ट के बारे में ये कहना है कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे इस देश में हमारे आस पड़ोस में बिल्डिंग में सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो आजकल सिंगल पेरेंटिंग ज़्यादा हो रही है साथ के बजाय, और हमारे इस सोसाइटी में एक और नोशन है कि 40 के बाद आपको प्यार हो रहा है, मतलब यू डेटिंग समवन एट 40 गेटिंग मैरिड एट 50 इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक टैबू है कि अगर आपने अपना 25 साल क्रॉस कर लिया है, अगर आपने अपनी जवानी छोड़ दी है सो यू कांट फॉल इन लव, व्हिच नीड्स टू यू नो पीपल नीड टू चेंज देयर यू नो द थिंकिंग अबाउट दिस प्लेस। एवरीबडी नीड्स कंपेनियन, एवरीबडी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया है तो यू कांट फॉल इन लव। सो आई थिंक हमारा शो आएगा तो कोई ऐसे 40-50 के लोग होंगे हु माइट गो आउट एंड फाइंड लव। सबसे पहले तो यही बात कि 40-45 की उम्र के कैरेक्टर्स की कहानी है और उस उम्र के लोग जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वरना हमारे यहाँ पे मतलब 20 के उठाते हैं और 40 के दिखाते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू शो देयर एक्टर्स ओल्ड। सो दैट इज आल्सो मतलब कुछ एक जगहों पे तो एज लीप ले लेके कुछ एक कैरेक्टर्स की उम्र ऐसी हो गई थी कि मतलब बीच में पितामह को गंडा बंधवा लेना चाहिए था उनसे। मैंने 25 पे 80 का प्ले किया था, सो आई वाज 25 व्हेन आई वाज प्लेइंग 80 इयर्स ओल्ड। सो दिखती है 80 किसी भी तरह से। रेवोल्यूशन नहीं है ये, एक मैं बात बताऊं यही सच है, ऐसा ही होना चाहिए था। रेवोल्यूशन तो हम तब लेकर आ रहे थे जब 20-25 साल की लड़कियों को जो है हम 60-65 का दिखाना हमने शुरू किया था। कई चीज़ें जो है वो आपको एज जो है ना वो मतलब अगर कॉन्सेप्ट कोई ऐसा है एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर कि ये धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाए, यू कैन बी प्लेइंग 80 और आपके सर पे खिजाब लगा हुआ है, आपकी स्किन पे आपकी उम्र नज़र नहीं आ रही है, वो तो वो झूठ था जो कि हम लोग बेच रहे थे इतने समय से। तो रेवोल्यूशनाइज तो हम वहाँ करने की कोशिश कर रहे थे कि
ایک سمے کے بعد جو ہے ویژن یا ویژولس جو ہے وہ بالکل افیکٹ ہی نہیں کرتے. آپ کچھ بھی دکھائیں گے اور لوگ جو ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. وی آر ایکچولی وی آر کمنگ بیک ٹو دا بیسکس کہ جو کیریکٹر جس عمر کا ہے وہ اس عمر کا کیریکٹر ہے وہی پلے کر رہا ہے. تو ایکچولی اس میں ریولیوشنائز کرنے والی چیز نہیں, یہ سچ ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ ریولیوشنائز کرنے کی کوشش تھی, جو مجھے لگتا نہیں کہ بہت زیادہ سکسیزفل رہی ہے. اس پریس کانفرنس کے ٹھیک آدھے گھنٹے پہلے جب دیا کورٹ سے آئی ہے وہ کانٹروورسی بھی ختم ہو چکی ہے. مطلب ہم کیس جیت چکے ہیں, ہمارا شو 8:10 بجے آن ایئر جائے گا بنا کسی کانٹروورسی کے. آئی وانٹ ٹو یو نو ٹیل اینڈ آسک دوز پیپل کہ لوگ کہتے ہیں اچھا دوبارہ بھی پرابلم, ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کیوں نہیں ہو سکتا؟ کم سے کم مجھ میں گٹس ہے کہ اگر دوبارہ پرابلم ہوئی تو میں پیروں پہ کھڑی ہو کر بول سکی بنا ڈر کے کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا لکھیں. مجھے اس کا فرق نہیں پڑا, مجھے اس کا فرق پڑا کہ جو میرے بچوں کے لیے صحیح ہے, جو میرے لیے صحیح ہے, جو میرے گھر کے لیے صحیح ہے, جو بچوں کی گروتھ کے لیے صحیح ہے, وہ میں کروں. اور کم سے کم وہ لوگ جو یہاں پر بھی ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے گھر میں پتنی ہے لیکن پھر بھی ایک گرل فرینڈ ہے, یا پھر ہسبینڈ ہے پھر بھی ایک بوائے فرینڈ ہے. اس سے اچھی ہوں نا میں, اس سے باہر آ کے بولا نا ڈوڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے وتھ یو. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, آئی ول ڈو واٹ از رائٹ وداؤٹ کیئرنگ واٹ یو پیپل تھنک اور واٹ یو پیپل ول رائٹ اباؤٹ می. اور میں مجھے لگتا ہے کہ ہاں یو آر رائٹ, میں ایک ایسا اسٹینڈ کھڑا کروں گی ان عورتوں کے لیے جو ڈرتی ہیں کہ دوبارہ اگر ان کی لائف میں پرابلم ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے. وہ کڑتی رہیں گی, ڈرتی رہیں گی, بچوں کو اچھا گروتھ نہیں دیں گی کیونکہ یہ ڈر سے کہ پڑوسی ان کے بارے میں کیا کہیں گے. سو لیڈیز کم آؤٹ آف دس پین اینڈ ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. تھینک یو سو مچ. یا پلیز تھینک یو. چلو کروا دو.